तो यूपी पुलिस का सरदर्द बन चुकी अतीक फैमिली की जो महिलाएं हैं अब ज्यादा दिन तक फरार रह नहीं पाए, क्योंकि अब इस गैंग की गॉड मदर शाइस्ता परवीन के भी बचने के चांसेस जीरो हो चले हैं और लेडी डॉन बन चुकी ज़ैनब फातिमा बहुत जल्द शिकंजे में हो, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद सद्दाम ने इन दोनों माफिया के नए अड्डे का पता दे दिया। यूपी पुलिस और एसटीएफ अतीक परिवार की दोनों महिलाओं की लोकेशन ट्रेस कर चुकी है, लेकिन इस लेडी गैंग की तीन और अहम किरदार हैं जिनके बारे में कोई खबर नहीं, जिन्हें अरेस्ट करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस जाल बिछा चुकी है और जल्दी ही ये मोस्ट वांटेड लेडी ब्रिगेड तलाकों के पीछे। अतीक फैमिली की जिन फरार बेगमों को पकड़ने में सर्विलांस सिस्टम और हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस यूपी पुलिस अब तक नाकाम रही, माफिया फैमिली की उन बेगमों पर सबसे बड़ी स्ट्राइक होने वाली है। उनकी फरारी फाइल्स का चैप्टर बहुत जल्द क्लोज होने वाला है, जिससे माफिया गैंग में खलबली मच जाएगी, क्योंकि अशरफ के साले सद्दाम उर्फ अब्दुल समद ने पुलिस की पूछताछ में मेन बात बता दी। मेन बात यह कि अतीक की बेगम शाइस्ता ने अड्डा कहां बना रखा है, अतीक के भाई अशरफ की बीवी जैनब कहां अंडरग्राउंड है, सद्दाम को माफिया क्वीन शाइस्ता परवीन का सीक्रेट मालूम है और जैनब से जुड़े हर राज पता है। यूपीएसटीएफ की पूछताछ में सद्दाम तोते की तरह राज उगल रहा है, वो अतीक गैंग की सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन पुलिस को दे रहा है। सद्दाम ने जो लेटेस्ट खुलासा किया उसके मुताबिक उमेश पाल हत्याकांड में असद का वीडियो वायरल होने पर अतीक ने सद्दाम को फोन किया, इधर उधर भाग रहे असद और शूटर गुलाम को छिपने के लिए ठिकाना मुहैया कराने को कहा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका और असद को पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो गया। लेकिन अब सद्दाम ने अतीक गैंग की गॉड मदर शाइस्ता और लेडी डॉन जैनब के गहरे राज उगलने शुरू कर दिए। सद्दाम ने IS-227 गैंग की गॉड मदर शाइस्ता परवीन के अड्डे की मिस्ट्री से पर्दा हटा दिया है। नई नबेली डॉन बनी अपनी बहन जैनब फातिमा के पनाहगाह की सूचना भी पुलिस को दे दी है, यानी सद्दाम के बाद जल्द ही अतीक फैमिली की ये दोनों बेगमों का नंबर भी आने वाला है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आयशा नूरी कहाँ है? शाइस्ता परवीन और जैनब के बाद तलाश आयशा नूरी और उनकी दो बेटियां उंजिला और मंतसा की है, दोनों कहां हैं? सवाल ये है कि अतीक फैमिली की ये मोस्ट वांटेड लेडीज कहां हैं? वैसे तो प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े ऐसे कई गिरदार जो फरार हैं, लेकिन पुलिस को जिनकी सरगर्मी से तलाश है वो है माफिया फैमिली की ये लेडी ब्रिगेड। चाहे माफिया डॉन अतीक की बेगम शाइस्ता परवीन हो, अशरफ की बीवी जैनब फातिमा हो, या फिर माफिया की बहन आयशा नूरी से लेकर अतीक की भांजी उंजिला और मंतशा, यूपी पुलिस के लिए माफिया परिवार की ये पांचों महिलाएं इसलिए भी चैलेंज हैं क्योंकि ना तो इनके मददगारों का नेटवर्क पूरी तरह खत्म हुआ, ना अतीक गैंग के खौफ का जड़ से खात्मा हुआ। जब कोई कड़ी हाथ लगती है तो किसी भी मामले की परत दर परत खुलती जाती है। गिरफ्त में आए अशरफ के साले सद्दाम से मिले अहम सुराग से फिलहाल यूपी पुलिस का जोश हाई है। फरार शाइस्ता और जैनब के हाइड आउट का पता चलते ही यूपी पुलिस और एसटीएफ ने जाल बिछा दिया। पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि इन दोनों को लेकर बहुत जल्द बड़ी खबर आ सकती है। बीते कुछ महीनों में पुलिस के एक्शन को देखा जाए तो अशरफ की बेगम जैनब फातिमा उर्फ रूबी कहीं दूर नहीं बल्कि प्रयागराज के हटवा गांव में छिपी रही। हटवा गांव जैनब फातिमा का मायका है। जैनब की लोकेशन ट्रेस करने के लिए पुलिस ने जैनब के मायका हटवा से लेकर पूरा मुफ्ती मरिया डी ही जैसे माफिया ब्रदर्स के प्रभाव वाले इलाकों में हाईटेक सीसीटीवी कैमरे को इंस्टॉल कराया, लेकिन शातिर जैनब पुलिस की गिरफ्त में नहीं आई। और अब सद्दाम ने कहा कि जैनब दिल्ली एनसीआर में छिपी है, लेकिन कहां ये नहीं बताया। जैनब फातिमा के दिल्ली एनसीआर में होने की खबर पर यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीम एक्टिव और अलर्ट हो गई है। जैनब की लोकेशन ट्रेस करने की कवायद की जा रही है। बताया जा रहा है कि सद्दाम की गिरफ्तारी के बाद जैनब ने प्रयागराज और बरेली में अपने कुछ रिश्तेदारों से सीधे संपर्क करने की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसके कुछ रिश्तेदारों को भी रडार पर लिया है। सूत्रों का कहना है कि सद्दाम अपनी मोस्ट वांटेड बहन जैनब की अलग अलग लोगों के जरिए मदद करता था।
हालांकि दिल्ली में जैनब के सही ठिकाने के बारे में ठोस जानकारी नहीं मिल सकी, लेकिन दावा ये कि कुछ क्लू जरूर मिले हैं। जो पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए अब ये सोच करके होनी चाहिए कि आगे उनकी रणनीति उत्तर प्रदेश से बाहर रहने की ही होगी। तो भले हो सकता है उत्तर प्रदेश में उनके संपर्क हों, लेकिन कुल मिलाकर के उनके छिपने की संभावना चाहे परिवारजनों के साथ चाहे खुद प्रदेश के बाहर और ऐसे इलाकों में जहां की पुलिस बहुत तत्परता और सफलता के साथ कार्रवाई नहीं कर सकती, ऐसे इलाकों में वो छुपेंगे। जैसे आपका मुंबई का इलाका है, मुंबई में इस तरह के बहुत सारे हाइड आउट्स हैं जहां पे पुलिस का पहुंचना और ढूंढ पाना मुश्किल है, और ऐसे ही इलाके वो चिन्हित करेंगे और ये भी कोशिश करेंगे कि अगर संभव हो तो वो देश के बाहर निकल जाए। सद्दाम के सहारे पुलिस माफिया परिवार की इन बेगमों पर शिकंजा कसने के लिए नजरें गड़ा चुकी है। शाइस्ता परवीन की लोकेशन के बारे में सद्दाम ने खुलासा किया। कि जब आखिरी बार उसकी बात हुई तब शाइस्ता प्रयागराज के चकिया में थी, लेकिन ये माफिया क्वीन चकिया में किसके यहां छिपी थी सद्दाम को नहीं पता। हालांकि उसने दावा किया कि शाइस्ता दिल्ली एनसीआर में अंडरग्राउंड है। फिलहाल सद्दाम से मिले इस इनपुट के बाद यूपी पुलिस और एसटीएफ एक्शन और अलर्ट मोड में है और अपने मुखबिरों को एक्टिव किया है। अतीक की बेगम और आईएस 227 की सरगना शाइस्ता परवीन दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपी हो सकती है। दिल्ली एनसीआर में ही कहीं ना कहीं उसने पनाह लिया हुआ है। फिर से एक बार जो एजेंसियां हैं वो दिल्ली एनसीआर में जो जो अवशाइश्ता की मदद कर सकता है उन सब को जो है वो टटोलने में लगी हुई है, और अधिकारियों की माने तो जल्द ही शाइश्ता की गिरफ्तारी हो सकती है। सूत्रों का दावा ये भी कि फरार चल रही शाइश्ता के साथ अधिक का शूटर साबर साय की तरह बना हुआ है। हालांकि बमबाज गुड्डू मुस्लिम कहां अंडरग्राउंड है इस बात को लेकर खुलासा नहीं। कुछ दिन पहले अतीक की पत्नी की शाइस्ता के चकिया इलाके में देखे जाने की खबर आई थी, पुलिस दबिश के लिए गई भी थी, लेकिन वो वहां नहीं मिली और ये पता चला कि उसने एनसीआर का रुख कर लिया है। इसी तरह से अतीक की बहन के बारे में भी एक बार एक खबर आई थी कि वो अपनी बेटियों के साथ कहीं देखी गई है, लेकिन पुलिस का कंटिन्यूस फॉलोअप जो था वो उन्हें लगातार उनका पीछा कर रही है पुलिस, और उनको अपने जो ठिकाने हैं उनको छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है या उनको छोड़ना पड़ रहा है। सद्दाम ने अतीक फैमिली की दो माफिया क्वींस का ठिकाना तो बता दिया, लेकिन यूपी पुलिस की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल माफिया परिवार की तीन और महिलाएं भी हैं जिन पर माफिया फैमिली की खूनी साजिशों में शामिल होने का आरोप है। अतीक की बहन आयशा नूरी, उमेश पाल के हत्यारों को शरण देने का आरोप, आयशा की बेटी उंजीला नूरी और मंतशा नूरी उमेश पाल हत्याकांड की जिनको जानकारी थी इसलिए इन्हें भी आरोपी बनाया गया। आयशा नूरी उसकी बेटियों के लिए शहर शहर खाक छानने के बावजूद यूपी पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली है। माफिया डॉन अतीक अहमद की बहन आयशा नूरी अपनी दो बेटियों के साथ पिछले कई महीनों से फरारी काट रही है। लगातार अपने ठिकाने बदलते हुए आयशा नूरी यूपी पुलिस को छका रही है। शहर शहर की खाक छानने के बावजूद यूपी पुलिस के हाथ खाली हैं। लेकिन अब चूंकि अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसके पास से जो लेटेस्ट क्लू मिले हैं उसके मुताबिक आयशा नूरी अपनी दो बेटियों के साथ दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपी हो सकती है। आयशा की बेटी उंजीला ने न सिर्फ गुड्डू मुस्लिम की भागने में मदद की बल्कि प्रयागराज पहुंचकर असद को भी निकालने का प्लान बनाया। 6 मार्च 2023 को आयशा नूरी अपनी बेटी उंजीला के साथ प्रयागराज आई। उसकी आखिरी लोकेशन कौशाम्बी में मिली। कौशाम्बी में ही आयशा नूरी की कार भी बरामद हुई। उसके बाद से आयशा नूरी गायब है। पुलिस उसको तलाशने में जुटी है। अतीक एंड फैमिली की तीसरी महिला आयशा नूरी भी फरार है। अतीक अहमद की इस बहन की तलाश भी पुलिस को है, लेकिन अभी तक पुलिस उस तक नहीं पहुंच पाई है। दरअसल 5 मार्च को पहली बार आयशा नूरी को एक सीसीटीवी कैमरे में देखा गया। वो अपने घर पर मेरठ में थी जब
कुड्डू मुस्लिम मेरठ पहुंचा था, तब वीडियो फुटेज सामने आए थे, उसमें देखा गया था कि उसके पति अखलाक और आयशा नूरी ने उसकी बड़ी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया था। उस दौरान घर में उसकी दोनों बेटियां उंजिला और मंतशा भी थी। चूंकि आयशा नूरी शुरू से जैनब के साथ छिपती रही, ऐसे में कयास ये कि जब जैनब दिल्ली में है तो आयशा और उसकी बेटियां भी दिल्ली में किसी की पनाह में है। कहा जा रहा है कि तुरंत रिजल्ट नहीं मिलने पर यूपी पुलिस आयशा के साथ उंजिला और मंतशा पर इनाम रख सकती है। अतीक की बहन आयशा नूरी मीरठ की रहने वाली है और आयशा नूरी के घर पर उमेश पाल मर्डर केस का बमबाज गुड्डू मुस्लिम ठहरा था। इसका सीसीटीवी भी सामने आया। पुलिस ने आयशा नूरी के पति डॉक्टर अखलाक अहमद को गिरफ्तार किया, सलाखों के पीछे पहुंचाया और अब आयशा, उसकी बेटी उंजिला और मंतशा की गिरफ्तारी बाकी है। इससे पहले यूपी पुलिस के हाथ आयशा नूरी और उसकी बेटी मंतशा की तस्वीरें हाथ लगी। इस तस्वीर में आयशा एक बकरे के साथ नजर आई, उसकी बेटी मंतशा भी बकरों के साथ। तब यूपी पुलिस को आयशा नूरी और मंतशा के दिल्ली एनसीआर में कहीं छिपे होने के इनपुट मिले थे। यूपी पुलिस दिल्ली में सर्च ऑपरेशन के लिए आई, जहां पुलिस को कुछ लोकेशंस पर मां बेटी के छुपे होने के सबूत मिले, लेकिन मां बेटी पुलिस के चंगुल से बच निकली। लेकिन अतीक गैंग के दी एंड के लिए जरूरी है माफिया ब्रदर्स की मोस्ट वांटेड लेडीज ब्रिगेड का गिरफ्तार होना, क्योंकि इसी मोस्ट वांटेड लेडी ब्रिगेड के पास अतीक की कमाई का पूरा काला चिट्ठा है और इन्हीं पांचों के पास अतीक के काले साम्राज्य का पूरा हिसाब किताब भी है।